एनडीए की तैयारी कर रहे हो तो अनअकैडमी प्लस के प्राइजेज एनडीए के लिए 15% से इंक्रीज हो रहे हैं दोस्तों 1 दिसंबर के बाद। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो 1 दिसंबर से पहले पहले लीजिएगा। यहीं पर आप सभी के लिए संकल्प एनडीए 1 2022 का कंप्लीट बैच कोर्स 24 नवंबर से लाइव हो चुका है, जिसमें टीम अर्पित सर के द्वारा आपको टीच किया जाएगा। यहीं पर इसके पैरेलल दोस्तों कमांडो 2.0 बैच भी आपका लाइव हो चुका है 24 नवंबर से ही। अगर आप एनडीए को टारगेट कर रहे हो तो इन दोनों बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अगर दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए बंपर ऑफर्स भी हैं 12 महीने के साथ 12 महीने का और 24 महीने के साथ 4 महीने का एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन। यहां पर दोस्तों नेवी का भी कंप्लीट बैच कोर्स लाइव हो चुका है। अगर आप SSRAA को टारगेट कर रहे हो तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। यहां पर आपको सिंपल कैटेगरी चूज करना है, देन उसके बाद टेन्योर चूज करना है एंड हैव अ रेफरल कोड में आपको एंटर कर देना है इंडियन। आपको इंस्टेंटली 10% का ऑफ देखने को मिल जाएगा। यहां पर दोस्तों अगर आप नेवी एयरफोर्स कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हो तो कैटेगरी नेवी एयरफोर्स कोस्ट गार्ड चूज कीजिएगा, टेन्योर चूज कीजिएगा, सेम हैव अ रेफरल कोड में इंडियन एंटर कर दीजिएगा और आपको 10% का ऑफ देखने को मिल जाएगा। मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस होती हैं सुबह 9 बजे, दोपहर 1 बजे, शाम को 6 बजे और रात को 9 बजे। इन क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए आपको एक इनवाइट कोड की आवश्यकता होगी जो कि इंडियन है। मेरी प्रोफाइल का लिंक और प्लस सब्सक्रिप्शन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत की प्रमुख जनजातियां, जो भारत में ट्राइब्स है उनके बारे में जानेंगे कि कौन से स्टेट्स में कौन सी ट्राइब्स है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। इसमें हमारा फर्स्ट स्टेट है गुजरात। गुजरात के अंदर कौन कौन सी ट्राइब्स है, फर्स्ट की बात करें हम बंजारा, सेकंड की बात करें डफर और थर्ड की बात करें टोडिया और भील। कौन कौन सी है गुजरात के अंदर, बंजारा, डफर, टोडिया और भील, ये 4 ट्राइब्स है जो गुजरात के अंदर है। सेकंड पर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी ट्राइब्स है, जनजाति है गड्डी, किनोरा और लाहौली। कौन कौन सी है, गड्डी, किनोरा और लाहौली। इसको आप कैसे याद कर सकते हो, इसकी ट्रिक हिमाचल प्रदेश की जो है वो ऐसे याद कर सकते हो, हिमाचल प्रदेश में काफ़ी पहाड़ है तो आप ऐसे याद करो कि पहाड़ों पर गड्डी है जो वो किनारों से नहीं चलानी चाहिए, उसको होली होली से चलानी चाहिए। इससे आपको गड्डी भी याद हो जाएगा, किनारों से किनोरा याद हो जाएगा और होली से लाहौली याद हो जाएगा। तो आप कोई भी ट्रिक बना सकते हो लेकिन ये ट्रिक ठीक है, गड्डी किनारों से नहीं चलानी चाहिए, होली होली चलानी चाहिए, इससे आपको हिमाचल प्रदेश की ट्राइब्स याद हो जाएगी। थर्ड पे हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में एक तो है बकरवाल, क्या नाम है, बकरवाल, और एक गद्दी है और थर्ड की बात करें लद्दाखी। ये 3 ट्राइब्स है जम्मू कश्मीर में, कौन कौन सी, बकरवाल, गद्दी और लद्दाखी। फोर्थ स्टेट्स की बात करें हम केरल। केरल के अंदर कौन कौन सी है वो देखो, एक तो कादर, क्या नाम है, कादर, चेचू और मोपला। पनियान और उराली, कौन कौन सी है केरल के अंदर, कादर, चेंचू, मोपला, पनियान और उराली, ये है केरल के अंदर। इसमें मोपला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछी भी गई है कई बार कि मोपला जनजाति है वो कौन से स्टेट्स में है, तो केरल के अंदर है। फिफ्थ पे बात करते हैं मध्य प्रदेश, कौन सा स्टेट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर कौन कौन सी है, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है गोंड जाति है, ये भारत में सबसे बड़ी जाति है, ये मध्य प्रदेश में भी है गोंड, लंबादी, थर्ड की बात करें कोल और भील जो गुजरात में थी, यहाँ पर भी है भील, वेगा, मुरिया
ये सारी ट्राइब्स कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कौन कौन सी है? गोंड, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, ट्राइब्स है गोंड, गोंड हो गई, लंबादी, कोल, भील, वैगा और मुरिया मध्य प्रदेश के अंदर है। आगे बात करते हैं हम मणिपुर की, किसकी बात करते हैं? मणिपुर, मणिपुर के अंदर है एक तो कुकी, क्या नाम है ट्राइब्स का? कुकी और मेठी, दो ट्राइब्स हैं मणिपुर के अंदर, कुकी और मेठी। आगे बात करते हैं हम मिजोरम, मिजोरम स्टेट्स है जो हमारा, उसमें कौन कौन सी है? मिजोरम से एक तो मिजो याद कर लेना, मिजो है जो, मिजो ट्राइब्स है जो मिजोरम में है, और सेकंड की बात करें लाखर और पावो, लाखर और पावो, और थर्ड की बात करें मिजो, ये तीनों कहां पर है? मिजोरम में। आगे बात करते हैं नागालैंड की, नागालैंड, नागालैंड के अंदर है एक तो जाएगा इसमें नागा, जैसे मिजोरम में याद किया था मिजो से, इसी तरह नागालैंड में आगे नागा आ रहा है, तो इससे नागा हो जाएगा, और एक हो जाएगा कुकी। जो कुकी है जो, ये यहाँ पर भी है नागालैंड में और मणिपुर में भी है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। नागालैंड में मैंने कौन कौन सी बताई? नागालैंड और कुकी। अब बात करते हैं हम त्रिपुरा, किसकी? त्रिपुरा की। त्रिपुरा के अंदर कौन कौन सी है? रियांग और त्रिपुरी, एक तो त्रिपुरी है, त्रिपुरी और एक रियांग, दो है यहाँ पर त्रिपुरा में, कौन कौन सी? त्रिपुरी और रियांग, ये थी हमारी त्रिपुरा की। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी ट्राइब्स है? एक तो गोंड है जो मध्य प्रदेश में भी थी, कोडस, सावरा और चेचू, कोडस, सावरा और चेचू, चेचू भी यहाँ पर भी है आंध्र प्रदेश में, तो कौन कौन सी बताई मैंने? गोंड, कोडस, सावरा और चेचू। आगे बात करते हैं हम मेघालय, मेघालय स्टेट्स है जो, मेघालय में है निंजा, मिक्की, निंजा, मिक्की, और आपको ये तो पता ही होगा गारो, खासी, जयंतिया, कहाँ पर है ये? मेघालय के अंदर। कौन कौन सी बताई मैंने? निंजा, मिक्की, गारो, खासी और जयंतिया, मेघालय के अंदर ट्राइब्स है ये। महाराष्ट्र में बात करें, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर कौन कौन सी है? बारली, चितपावन, बारली, चितपावन और एक है अंबू, माफाडिया, अंबू, माफाडिया, ये भी कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर। इसमें बारली है, वो दो तीन बार पूछी भी गई है कि बारली है जो, वो कहाँ की ट्राइब्स है? तो महाराष्ट्र की ट्राइब्स है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है इसमें। लेकिन आपको चितपावन और अंबू माफाडिया ये भी याद होनी चाहिए कि महाराष्ट्र की ट्राइब्स हैं। अब बात करते हैं हम असम की, असम स्टेट्स है जो, इसके अंदर कौन कौन सी है? इसमें है राबा, दिमारा, राबा, दिमारा और बात करें आवो, अबोर, आवो, अबोर, ये कहाँ पर है? असम में, राबा, दिमारा, आवो और अबोर। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी है? डबला, सोलुंगू, सुलुंग और बात करें मिनियोंग, मोपा,
मिनियोंग, मोपा और अपतनी मेजी, अपतनी मेजी कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में। सिक्किम में बात करें, सिक्किम में कौन कौन सी है वो देखो, सिक्किम में है लेपचा। क्या नाम है ट्राइब्स का? लेपचा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, कई बार पूछी गई है, डायरेक्टली पूछ लिया था कि जो लेपचा ट्राइब्स है वो कौन से स्टेट्स की इम्पोर्टेंट ट्राइब्स है, तो कहाँ की है? सिक्किम की इम्पोर्टेंट ट्राइब्स है ये, कई बार पूछी गई है लेपचा ट्राइब्स। आगे बात करें हम झारखंड की, किसकी? झारखंड की, कि झारखंड स्टेट्स में कौन सी ट्राइब्स हैं? इसमें संथाल, मुंडा, संथाल, मुंडा, मुंडा में आपको पता होगा एक बिरसा मुंडा था, तो ये वही का वही ट्राइब्स है ये। उराव, उराव भी था एक वहाँ पर जनजाति का समूह। हो ये भी है, भूया, असुर, भूया, असुर और कोरवा, ये सभी कहाँ की है? झारखंड की। इसमें जो ये संथाल, मुंडा और उराव है, ये तीन इम्पोर्टेंट है, काफ़ी पूछी गई है तीनों में से, कोई से भी पूछ लेते हैं, कई बार ये पूछी गई है, कई बार ये, कई बार ये, लेकिन आप ये भी इनके साथ पढ़ लेना, असुर, कोरवा, भूया और हो, ये भी झारखंड की है। आगे बात करें हम उड़ीसा की, ओडिशा स्टेट्स में कौन कौन सी ट्राइब्स हैं? चेंचू, सोंड, चेंचू, सोंड और बात करें खरिया और जुआंग। क्या क्या है? चेंचू, सोंड, खरिया और जुआंग, ये कहाँ की है? ओडिशा की। राजस्थान में कौन कौन सी ट्राइब्स है वो देखो, राजस्थान में सहरिया, सांसी, गरसिया, सहरिया, सांसी, गरसिया और बात करें राजस्थान के अंदर मीणा कोली। क्या नाम है? मीणा कोली, ये राजस्थान के अंदर। क्या क्या नाम बताया मैंने? सहरिया, सांसी, गरसिया, मीणा और कोली राजस्थान के अंदर है। तमिलनाडु में बात करें, तमिलनाडु की कौन कौन सी ट्राइब्स हैं? एक तो बड़गा है, बड़गा, कोटा, कोटा भी है, टोडा और टोडकोटा, टोडकोटा। ये कोटा नाम देखकर आप ये राजस्थान में टिक लगाना कि कोटा राजस्थान में है, इस कारण कोटा जनजाति वहीं पर होगी। ये कोटा है जो ये तमिलनाडु के अंदर है, टोडा और कोड टोडकोटा, ये तीनों चारों बड़गा जो ये तमिलनाडु के अंदर है। अब हम बात करें उत्तराखंड की, उत्तराखंड, उत्तराखंड है, इसके अंदर कौन कौन सी है वो देखो, नीति, खास, नीति, खास और बात करें बोटिया, थारू और मारा, ये उत्तराखंड के अंदर है। क्या क्या बताई मैंने आपको उत्तराखंड में? नीति, खास, बोटिया, थारू और मारा, ये ट्राइब्स कहाँ पर है? उत्तराखंड में। अब हमारा वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल स्टेट है, उसके अंदर कौन सी ट्राइब्स है वो देखो, इसमें है लोगा जनजाति, लोगा ट्राइब्स, जो लोगा ट्राइब्स है ये भी इम्पोर्टेंट आपके लिए, सीधा पूछ लेते हैं, कई बार पूछी भी गई है कि जो लोगा ट्राइब्स है वो कौन से स्टेट्स की इम्पोर्टेंट ट्राइब्स है, तो पश्चिम बंगाल की है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, या ऐसे पूछ ले पश्चिम बंगाल की जो महत्वपूर्ण ट्राइब्स है वो कौन सी है, तो लोग है दोस्तों। तो ये थी हमारी जो ट्राइब्स, अब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाते हैं कुछ जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें
कि गुजरात में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पाई जाती है। गुजरात में कौन सी जनजातियां पाई जाती है, और ऑप्शन दे दिया, भील, बी की बात करें बंजारा, सी की बात करें डफर, और डी की बात करें ये सभी, यानी ऑल ऑफ दीज। तो इसका क्या आंसर रहेगा बताओ आप, कि गुजरात में कौन सी जनजातियाँ पाई जाती है। तो मैंने आपको कौन कौन सी बताई थी, सोचो समझो और बताओ। इसमें ऑप्शन दिया मैंने आपको भील, बंजारा, डफर या फिर ये सभी। तो इसका आंसर रहेगा ये सभी, क्या रहेगा ये सभी, ये तीनों जो जनजातियाँ कहाँ पर पाई जाती है, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करती है, गड्डी जनजाति पाई जाती है, गड्डी जनजाति पाई जाती है, तो कहाँ पर पाई जाती है गड्डी। मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी कि जो गड्डी है किनारों से नहीं चलानी चाहिए, उसको होली होली चलानी चाहिए, तो कहाँ पर चलानी चाहिए, तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए गड्डी दिखती है तो हिमाचल प्रदेश, कहाँ पर, हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश। गड्डी आ जाए, लाहौली आ जाए या किनारो आ जाए, ये सभी जनजातियाँ हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरवाल जनजाति पाई जाती है, बकरवाल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, ये पूछ लिया आपसे, जो बकरवाल जनजाति है वो किस राज्य में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर। और कौन सी बताई थी मैंने, जम्मू कश्मीर में बकरवाल थी और एक थी गद्दी और एक बात करी लद्दाखी, ये भी कहाँ पर पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि बकरवाल जनजाति है जो किस राज्य में पाई जाती है, तो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो कादर पनियान मोपला जनजाति है, ये किस स्टेट्स में है, क्या क्या है, कादर पनियान मोपला, और बात करें ये जनजातियाँ किस राज्य या स्टेट्स में है, तो कादर पनियान कौन से स्टेट में बताई थी मैंने, केरल में, कहाँ पर है, केरल में, कादर भी, पनियान भी और मोपला भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश की जनजाति नहीं है, ये पूछ लिया, कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश की नहीं है। ऑप्शन में आपको क्या क्या दिया वो देखो, ऑप्शन में दिया है गोंड, बी की बात करें मुरिया, सी की बात करें भील, और डी की बात करें लेपचा। क्वेश्चन क्या पूछा आपसे कि कौन सी जनजाति है वह मध्य प्रदेश की नहीं है, यानी मध्य प्रदेश की जनजाति कौन सी नहीं है। ऑप्शन में है गोंड, मुरिया, भील या फिर लेपचा। आपको मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश के अंदर गोंड भी है, मुरिया भी है और भील भी है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, लेपचा। लेपचा है जो कहाँ की है, सिक्किम की, ठीक है, सिक्किम की पूछ लेगी, सिक्किम की इंपोर्टेंट जो ट्राइब्स है कौन सी है, तो लेपचा है, इसका आंसर सिक्किम, ये लेपचा रहेगा, सिक्किम के अंदर है जो। नेक्स्ट की बात करते हैं, बारली चितपावन किस राज्य की जनजाति है, बारली चितपावन किस राज्य की ट्राइब्स है, यानी जनजातियाँ है, तो बारली याद आते आपको याद आना चाहिए, मैंने बताया था स्पेशल कि बारली है जो
वो कहाँ की है? महाराष्ट्र की। जो महाराष्ट्र है हमारा स्टेट, उसकी इम्पोर्टेंट कौन सी है? बार्ली और चितपावन। ये बार्ली पूछा जाता है कई बार, लेकिन एक बार ऐसे भी पूछ लिया था कि बार्ली और चितपावन है किस राज्य की ट्राइब्स है? महाराष्ट्र की। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कुकी मैठी अंगामी, क्या क्या नाम है? कुकी मैठी और थर्ड की बात करें अंगामी, अंगामी जनजाति है तो कहाँ की है ये? कुकी मैठी अंगामी ये है मणिपुर की। कौन से स्टेट्स की है? मणिपुर की। कुकी मैठी अंगामी जनजाति है, मणिपुर की जनजाति है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राबा दिमारा अबोर जनजाति है। राबा अबोर और एक दिमारा जनजातियाँ है, कहाँ की जनजाति है यह पूछ लिया तो ये है असम की। कौन से स्टेट्स की है? असम स्टेट की। इसी टाइप से पूछता है आपको, पांच छह क्वेश्चन हो रहते हैं और देख लो एक बार। मुंडा उराव संथाल कहाँ की महत्वपूर्ण ट्राइब्स है ये पूछ लिया आपसे। जो मुंडा उराव संथाल है वो कहाँ की इम्पोर्टेंट ट्राइब्स है, यानी महत्वपूर्ण ट्राइब्स है, तो मैंने आपको बताया था कि झारखंड की है ये। कौन सी स्टेट की है? झारखंड की। आगे हम इससे पूछा गया है कि सिक्किम की जो इम्पोर्टेंट ट्राइब्स है कौन सी है? सिक्किम की महत्वपूर्ण ट्राइब्स ये पूछ लिया आपसे। जो सिक्किम स्टेट हमारा, इसकी महत्वपूर्ण ट्राइब्स कौन सी है, इम्पोर्टेंट ट्राइब्स कौन सी है, तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको, तो इसकी है लेपचा। लेपचा है जो ट्राइब्स, वो सिक्किम के इम्पोर्टेंट ट्राइब्स हैं। फिर इसमें आपसे पूछ लिया कि सहरिया सांसी मीणा, क्या क्या बताया? सहरिया सांसी और क्या नाम है इसका? मीणा, मीणा ट्राइब्स है। कौन से स्टेट की ट्राइब्स है बताओ? तो स्पेशली मैंने सांसी सहरिया ये बताया था आपको कि इस स्टेट्स की ट्राइब्स है, तो कौन से की है? तो ये है राजस्थान की, राजस्थान स्टेट्स की है। फिर है लोगा जनजाति किस राज्य की है? लोगा जनजाति किस राज्य की इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण ट्राइब्स है, तो बताओ कहाँ की है? स्पेशली मेंशन किया था मैंने कि इम्पोर्टेंट है ये, तो ये है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल की लोग गाय। जो कोटा टोडा जनजाति है ये पूछ लिया, कोटा है जो टोडा है कहाँ या किस राज्य की इम्पोर्टेंट ट्राइब्स है ये पूछ लिया आपसे, तो मैंने बताया था कि कोटा टोडा जाए तो आप राजस्थान तो न लगाए, इसका आंसर रहेगा तमिलनाडु। क्या रहेगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु की इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण ट्राइब्स है कोटा टोडा, अरे एक टोड कोटा थी जो। रियांग पूछ लिया, जो रियांग है वो किस स्टेट्स की इम्पोर्टेंट ट्राइब्स है, तो रियांग किसकी बताई थी मैंने? त्रिपुरा की। एक तो रियांग थी और एक त्रिपुरी थी, तो रियांग पूछा गया था किस स्टेट्स की है, तो त्रिपुरा की है। लास्ट क्वेश्चन हमारा लाहौली है, जो लाहौली ट्राइब्स है जो, वो कौन से स्टेट्स की ट्राइब्स हैं इम्पोर्टेंट? मैंने वैसे भी आपको बताया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करा था पीछे, लेकिन आपने बताना होगा कि लाहौली जो ट्राइब्स है वो कौन से स्टेट्स की इम्पोर्टेंट है, तो आपको पता होगा, तो ये है हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश गड्डी है लाहौली और किनौरा जो ये हिमाचल प्रदेश की है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, इम्पोर्टेंट जो ट्राइब्स इंडिया की महत्वपूर्ण जनजातियाँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।